ये है इंदु ब्रॉडकास्टिंग प्राइवेट लिमिटेड और आप देख रहे हैं इंडियन न्यूज, हर पल हर क्षण हर सच। बदलता मौसम सेहत के लिए हानिकारक होता है, खासकर बारिश के मौसम में बुखार, मलेरिया, डेंगू, हेपेटाइटिस जैसी कई बीमारियां हो सकती हैं। इस समय क्या करें कि हम और हमारे अपने स्वस्थ रहें, इस पर देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। बारिश का मौसम हर किसी को अच्छा लगता है, पर ये मौसम अपने साथ कई बीमारियां भी लेकर आता है। इस मौसम में कोई भी संक्रमण तेजी से फैलता है, खान पान से लेकर रहन सहन तक का खास ख्याल रखना पड़ता है। विशेषज्ञों की माने तो इस मौसम में अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना सबसे ज्यादा जरूरी है, क्योंकि इस समय पानी की शुद्धता कम होती है और अशुद्ध पानी से फैलने वाली बीमारियां ज्यादा होती हैं, जैसे हेपेटाइटिस, मलेरिया, डेंगू, डायरिया, दस्त, उल्टी। ऐसे में खाने में ताजा और गर्म भोजन और उबला पानी कई बीमारियों से बचा सकता है। जैसे कि बारिश के दिनों में देखा गया है कि उल्टी, दस्त होना, बुखार होना, सर्दी खांसी होना, मलेरिया, डेंगू और हेपेटाइटिस की बीमारियां जो रहती है कॉमनली देखने में मिलती है। जैसे उल्टी दस्त रहता है, उससे बचाव के लिए आप पानी उबाल के ठंडा किया हुआ पीजिए, बाहर का खाना वगैरह अवॉइड कीजिए, खाने में आप फल फ्रूट्स वगैरह जो भी फ्रेश सीजन में आ रहे उसको खा सकते हो। और सर्दी खांसी से बचने के लिए जिनको भी सर्दी खांसी हो उससे थोड़ा सा दूर रहिए, और खांसते वक्त जो है मुंह पे कपड़ा लेके खांसिए और पानी हल्का सा उबला हुआ गुनगुना पानी आप पी सकते हो, और गुनगुने पानी में नमक डाल के गरारे भी कर सकते हो, जिससे भी आप सर्दी खांसी से वगैरह बच सकते हो। मलेरिया डेंगू से बचने के लिए आपने अगल बगल में देखिए जहाँ पे भी पानी का लंबे टाइम से पानी जमा हुआ है उसको साफ कीजिए, और पानी मच्छरों से हमेशा बचिए, मस्कीटो नेट वगैरह ये सब चीज़ें भी आप यूज़ कर सकते हो। हेपेटाइटिस के भी लिए बचने के लिए भी सेम है कि आप पानी उबाल के ठंडा के वक्त पीजिए। मौसमी बीमारी से बचने के लिए अपने को सुरक्षित रखिए, खाना अच्छे से खाइए, टाइम टू टाइम खाइए, पानी हमेशा उबाल के ठंडा के वक्त पीजिए, और खाना जो भी खाते हो फ्रेश खाने में प्रिफर कीजिए। इस मौसम का खराब असर खासतौर पर बच्चों में भी देखने को मिलता है, क्योंकि बच्चों का इम्यून सिस्टम बड़ों की अपेक्षा कमजोर होता है, इसलिए बच्चों को भी उबला हुआ पानी पिलाना चाहिए, साथ ही गर्म और ताजा भोजन ही बच्चों को देना चाहिए। इस समय बाहर का खाना बिल्कुल भी ना खाएं। इसके अलावा देर तक काट कर रखे फल और सब्जियां भी ना खाएं, क्योंकि इसमें बैक्टीरिया का खतरा ज्यादा बढ़ जाता है। बच्चों को नहलाते समय गर्म पानी का इस्तेमाल करना चाहिए। रात में तो सबसे पहले गंदा पानी है ना, तो पानी से फैलने वाली बीमारी ज्यादा होती है, जैसे लूज मोशन, वोमिटिंग, डायरिया, ये सारी चीजें गंदे पानी से होती है। तो बाहर का खाना बंद करना चाहिए, बाहर का पानी नहीं पीना चाहिए। जो भी पानी आपके घर में है वो एक तो शुद्ध होना चाहिए या उबला हुआ होना चाहिए, या फिल्टर का पानी भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। सबसे मेन चीज़ तो आपको पानी शुद्ध होना चाहिए पीने वाला, जिसकी वजह से डायरिया, लूज मोशन, वोमिटिंग है ना, पानी के इससे दूषित पानी की वजह से जो बीमारियाँ फैलती है वो हम रोक सकते हैं। दूसरी बीमारी होती है कि बहुत जगह पर पानी ठहर जाता है, उसकी वजह से मच्छर आते हैं, और मच्छर की वजह से डेंगू, मलेरिया ये बीमारियां हो सकती है। जैसे गंदा पानी हो तो उसमें मलेरिया के मच्छर पाए जाते हैं, तो जहाँ भी गंदा पानी फैल रहा है वहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि वो गंदा पानी आपके आसपास में ना फैले या वो साफ किया जा सके। दूसरा होता है जो अपना डेंगू के मच्छर रहते हैं वो शुद्ध पानी में होते हैं, तो घर में अगर कोई कुंडी हो जिसमें शुद्ध पानी रह रहा हो, या फ्रिज का पानी, या कोई एसी के वजह से क्लीन वाटर जमा हो रहा हो, तो वहाँ डेंगू के मच्छर पाए जाते हैं। तो पानी का जो जिस जहाँ भी पानी ठहराव हो रहा हो या जमा हो रहा हो उस जगह को साफ रखना चाहिए, ठीक है। और सर्दी खांसी बुखार, वायरल बीमारियां तो ये मौसम में कॉमन पाई जाती है। ऐसी कंडीशन में हमें ये चाहिए कि हम बच्चे को जब भी नहलाएंगे तो ठंडे पानी में जाने से बचाना चाहिए उनको। कोई भी चीज़ें ठंडी चीज़ें की बजाय गर्म चीज़ें देना चाहिए, गर्म रखना चाहिए बच्चों को, है ना।
बारिश के मौसम में गड्ढों में पानी ठहरने के कारण मच्छर पनपने लगते हैं, जिससे मलेरिया और डेंगू जैसी बीमारियां होने की संभावना बढ़ जाती है। इसलिए अपने आसपास पानी जमा होने ना दें, क्योंकि मलेरिया और डेंगू के मच्छर ठहरे हुए पानी में ही पनपते हैं। साथ ही इनसे बचने के लिए मच्छरदानी का उपयोग जरूर करें। इंडियन न्यूज के लिए सन्नी देवांगन के साथ चुन्नी गजेंद्र सिन्हा की रिपोर्ट। न्यू वीडियोस की अपडेट पाने के लिए सब्सक्राइब करें इंडियन न्यूज को और बेल आइकन को दबाएं।